वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटेसी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECST 10 का मैच 7 जो खेला जाने वाला है PLE वर्सेस इंडो बल्गेरिया के बीच में। मैच 7 है। सुबह के जो दो मैच थे बारिश की होने की वजह से, ग्राउंड में पानी भरे होने की वजह से मैच रद्द हो गया है, और ये मैं थोड़ा फ्री टाइम निकालकर ऑफिस में आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंडो बल्गेरिया टीम का पूरा डेटा मिल गया था और इसका वीडियो मैंने कवर नहीं किया था, तो इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट ही छोटे से टाइम में मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। बल्गेरिया का सारा स्क्वाड का डेटा तो यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है दोस्तों। ये टूर्नामेंट जीतने के पूरे पूरे चांस इस टीम के हैं क्योंकि इसके पास बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर और अच्छे बैट्समैन भरे हुए हैं दोस्तों। टीम के पास 4 से 5 ऑलराउंडर है और जिसके दम पर ही मैच आराम से टीम जीत लेती है दोस्तों। सबसे पहले आप बात करेंगे प्रकाश मिश्रा की, जिसको आप स्टेट देख सकते हो 27 मैच में लगभग 22 विकेट है, 500 प्लस रन है। क्रिस लेको की बात करूं तो 27 मैच में 15 विकेट है और 600 प्लस रन है दोस्तों। उसी तरीके से अगर बात करूं बी ताहिर की तो 15 मैच में उनका भी 500 प्लस रन है, 17 विकेट है दोस्तों। रोहित धीमानी की बात करूँ तो 17 मैच में रन कम मारे हैं पर विकेट 14 ली है दोस्तों। मिडल ऑर्डर में और डेथ में बॉलिंग करते हैं और विकेट कुछ ना कुछ लेके जाते हैं दोस्तों। नए प्लेयर टीम में ऐड हुए हैं जिनका आपको ग्रैंड लीग के अंदर मिनी जेल के अंदर खासतौर से ध्यान रखना है। मैं बता दूँ यहाँ पर एंड्रेन डी के नाम से है, नीक जे के नाम से है, गौरव के नाम से भी एक प्लेयर है। यहाँ पर शॉर्ट हो गया है, ऊपर आप पूरा फुल नेम देख लीजिएगा। बट ये जो तीन प्लेयर है जिसके ऊपर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है ग्रैंड लीग के अंदर दोस्तों और मिनी जेल के अंदर दोस्तों। तो चलिए डेटा को स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान में रखना। ओपनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि नया प्लेयर ऐड हुआ है जिन्होंने 4 मैच में लगभग 350 और 1 सेंचुरी लगाई है दोस्तों। तो इसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोस्तों प्लेयर, सॉरी मिस्टेक हो गया, 150 और 1 सेंचुरी लगाई है अपने 6 मैच के करियर में दोस्तों। तो यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन, एंड्रिन दनबार। विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में उनको दिया गया हुआ है। मेरे ख्याल से शफकत को रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था बट हो सकता है इनको खिलाए टीम, वो कीपिंग करेंगे। बट मेरे ख्याल से ओपन दनबार कर सकते हैं, हालांकि लास्ट टूर्नामेंट में बख्तियार और क्रिस लॉ ओपन कर रहे थे। प्रकाश मिश्रा ने भी कई मैच में ओपन किए हुए हैं। इस तरीके से इनकी पूरी प्लेइंग 11 रहेगी। हम आगे चलते हैं बॉलिंग की अगर बात करूं तो क्रिस लॉ पहले लेको पहली ओवर कर सकते हैं गगनदीप सिंह के साथ, बख्तियार ताहिर मिडल ऑर्डर करते हैं। ये इनकी बॉलिंग हमेशा चेंज होती रहती है, कभी कभार डेथ में बख्तियार ताहिर बॉलिंग करते हैं, कभी कभार मिडल ऑर्डर में प्रकाश मिश्रा भी आ जाते हैं। तो बॉलिंग इनकी कुछ ना कुछ सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी, बट नॉर्मल आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर मैंने बॉलिंग इनकी कैटेगरी लिख दी है दोस्तों। बात कर लूँ यहाँ पर अगर तो की प्लेयर्स की, तो स्मॉल लीग अगर हेड टू हेड अगर खेल रहे हैं तो ये प्लेयर में से ही आपको अपने प्लेयर लेने हैं और आराम से CVC जो भी सिलेक्शन ज़्यादा रहेगा उसको आप बना लेना अपनी मर्जी से, डेटा को देखकर आराम से आप विन कर ही लोगे दोस्तों। तो ये की प्लेयर्स है जो आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेने हैं दोस्तों। अब ग्रैंड लीग में जैसा कि मैंने बताया आपको कौन से प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, ग्रैंड लीग में CVC आप ट्राई करोगे गौरव चोपड़ा को, रोहित धीमानी को, गगनदीप सिंह को जो 2 डाउन 3 डाउन पर बैटिंग पर भी आ जाते हैं और बॉलिंग भी करते हैं दोस्तों। एंड्रिन दनबार है जो न्यू रिक्रूट है टीम में और गौरव चोपड़ा है दोस्तों, तो गौरव चोपड़ा का नाम 2 बार आ गया है पर तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बात कर लूँ दूसरी टीम की तो PLE के स्क्वाड के हमने ऑलरेडी पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है और टीम ने 2 मैच ऑलरेडी खेल भी लिए हैं, आप तो आपने देख लिया होगा किसका कैसा परफॉर्मेंस है। टीम उतनी खास मुझे नज़र नहीं आ रही है, बैटिंग से थोड़ी वीक है बट यहाँ पर आप मुझे वन साइडेड टीम हारती हुई नज़र आ रही है इंडो बल्गेरियन के सामने दोस्तों। फिर भी देखते हैं थोड़ी बहुत तो बॉलिंग से तो टक्कर रहेगी, अगर टीम ने बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दे के कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया तो ये टीम आराम से चेज भी कर लेगी दोस्तों। तो ये वीडियो में हमने इनका तो सब कुछ देख ही लिया है और जैसा कि मैंने बताया था यही 5 प्लेयर आपको लेने थे स्मॉल लीग में और यही 5 प्लेयरों ने ही परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो और मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो आप बहुत कुछ नुकसान करोगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अच्छे से सुना कीजिए और नोट डाउन किया कीजिए दोस्तों। ये वीडियो ऑलरेडी आप पुराना मैच चालू होने से पहले का वीडियो आप देख लेना, मैंने बताया है सब कुछ और वैसा ही सब कुछ हुआ है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए
चलिए हम हमारी इस मॉली की टीम भी बना लेते हैं। क्या मैं क्या हिसाब से मैं अपनी टीम बनाऊंगा वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाइनअप आने के बाद जो भी चेंजेस रहेगा वो टीम में दे ही दूंगा अगर मैं अपने काम से फ्री रहा तो। यहाँ पर PLE और INB का हम टीम क्रिएट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ए डनबर खेलते हैं तो मैं इनको पहले प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इन्होंने सेंचुरी लगाई है अपने 6 मैच के अंदर ही और 50 भी लगाई। अगर खेलते हैं तो मेरी स्मॉल लीग में ये प्लेयर भी रहेगा। बट हालांकि सुनील ओपन कर रहे हैं तो लोग उनके साथ जा रहे हैं तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ। पर बता दूँ इंडो बल्गेरियन की बहुत अच्छी बॉलिंग है तो हो सकता है एन सुनील जल्दी आउट हो जाए दोस्तों, ठीक है। उस बात का भी ध्यान रखना, उस हिसाब से सोचकर भी अपनी टीम बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एन सुनील को ले लेते हैं। एस खान की अगर बात करूँ तो बहुत नीचे आते हैं, जेड बद भी बहुत नीचे आते हैं तो इस ग्रैंड लीग में ही हम ट्राई करेंगे। स्मॉल लीग में फिलहाल हम एन सुनील को लेके जा रहे हैं। और अगर ए डनबार खेलते हैं तो मैं अपनी स्मॉल लीग के अंदर ए सुनील को हटा के ए डनबार को ले लूँगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रिस लो, AP मिश्रा और टी धन यादव हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। आर्धिमानी बॉलिंग करते ही तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। गौरव चोपड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग है, बख्तियार पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि सारे के सारे प्लेयर इन्होंने यहाँ पर ही भर लिए हैं तो हम लेकर ही जाएंगे ही। तो यहाँ पर मैंने गौरव चोपड़ा को भी कोशिश करूँगा लेने की, बट देखता हूँ यहाँ पर और कौन से प्लेयर ले सकता हूँ। क्रिस पेपर है और जो मेन प्लेयर हैं हम ले लेंगे। यहाँ पर अभी बता दूँ अपूर्व मिश्रा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि हमारे मिस हो रहे हैं दोस्तों, तो उनको भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे एक प्लेयर को शॉर्ट करना होगा तो मेरे ख्याल से मैं तरुण यादव को ही मैं शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो उससे तरुण यादव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये अपूर्व मिश्रा हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो धीमानी के बदले मैं तरुण यादव को ही ले लेता हूँ। चलिए थोड़ा हल्का फुल्का मैंने ये रिस्क लिया हुआ है और आप चाहे तो धीमानी के साथ जा सकते हो। यहाँ पर गगनदीप सिंह को ले लेता हूँ। लोकेश मिश्रा ने 3-4 मैच ही खेले हैं, कुछ किया नहीं है तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं MRN को ले रहा हूँ। दोनों मैच में 2-2 ओवर इन्होंने अपने कोटे के डाले हैं। दूसरे अदर प्लेयर को मुझे इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहे दोस्तों। तो टीम प्रीव्यू सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमने पूरे अपने ओपनर शुरुआत के 3 बैट्समैन अपने कवर कर लिए हैं। यहाँ से तरुण और यहाँ पर अपने एम का ध्यान ओपन करते हैं। उसके बाद वन डाउन ये भी आते हैं, हरी कुमार हैं और दोनों की जोड़ी ओपन की हो गई। मिश्रा और ये ए मिश्रा, अपूर्व मिश्रा, कद्यान और अरहम, ये तीनों बॉलर हमने यहाँ से कवर कर लिए। पी मिश्रा भी बॉलिंग करेंगे, लेको भी करेंगे, ताहिर भी करेंगे, ननको भी करेंगे और जी सिंह भी बॉलिंग करेंगे। तो यहाँ से लगभग हमारे पास 5 बॉलर है दोस्तों, तो ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से स्मॉल लीग की टीम हो गई। तो यहाँ पर गौरव मिश्रा के साथ मैं जाना चाहूँगा। एम का ध्यान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था क्योंकि बैटिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। बट यहाँ पर आप जा सकते हो बख्तियार के साथ भी जा सकते हो, दोनों ही ओपन करते हैं और वन डाउन आते हैं। दोनों की ओपनिंग पेयरिंग की जोड़ी है तो पहली मैच के लिए ये जा सकते हो। पी मिश्रा के साथ भी आप जा सकते हो और यहाँ पर फिलहाल मैं डेमो के लिए सेफ ही जा रहा हूँ, जो पब्लिक करे वही कर रहा हूँ। तो आप मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, बी ताहिर सीले को पी मिश्रा के साथ आप जाओगे ही। बट फिलहाल यहाँ पर मैं ये पब्लिक जिसके साथ गई है वो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ये डेमो टीम है दोस्तों, ओके। तो ये हमारी डेमो टीम भी हो गई। तो चलिए अभी हम आते हैं डेटा के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि मैच की, तो मैच कौन जीतेगा। मैच जाहिर सी बात है हमने डेटा देख लिया है, 5-5 ऑलराउंडर के साथ बहुत अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम हमें नज़र आ रही है डोबल एरिया की, तो उसके जीतने के चांस मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बट देखते हैं, पहला टूर्नामेंट है, शुरुआत में थोड़ा टीम को कॉपी मतलब थोड़ा टाइम लगता है तो उसके हिसाब से देखते हैं टीम कितना परफॉर्मेंस दे पाती। हो सकता है जल्दी कम स्कोर पर ऑल आउट भी हो जाए और ये अपनी दूसरी टीम है PLE की टीम चेस भी कर ले दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है T10 की टीम है, किसी को भी एकदम ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कह सकते क्योंकि T10 में कुछ भी कोई भी टाइम पे कुछ भी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मैच विनिंग की। तो इंडो बल्गेरिया के चांस 60% के हैं, PLE के चांस 40% के दोस्तों। मेरा प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए। सारा डेटा मैंने दे दिया हुआ है और उसके हिसाब से अपने टीम बनाना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके जाना।